नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर की शुरुआत बॉलीवुड एक्ट्रेस या अगर मैं बात करूं मंडी से सांसद कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत जिस तरीके की बयानबाजी दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। कंगना रनौत ठीक उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर स्मृति ईरानी अभी कुछ वक्त पहले चला करती थी। दरअसल देखा जा रहा है कि कंगना रनौत ने एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को अब माफी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, दरअसल सीधे तौर पर कंगना रनौत ने राहुल गांधी के DNA पर सवाल खड़ा कर दिया, खानदान को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। कंगना ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें राहुल गांधी के सर पर टोपी है, चंदन माथे पर लगा है और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की तस्वीर ही बहुत अलग तरीके से, जिसे एडिटेड तस्वीर कहा जाए तो वो एडिटेड ही तस्वीर है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जाति को लेकर सवाल संसद में पूछा था, उसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी ने ये तौर पर कह दिया था कि जिसकी खुद की जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। अब ऐसे में कंगना ने जो बात कही है, ये कहा गया कंगना माफी मांगे नहीं तो कंगना को इसका बुरा भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या कंगना राहुल से माफी मांगेगी या फिर जो कंगना ने तस्वीर पोस्ट की है ये बवाल और बढ़ेगा और कंगना के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई देंगी। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए।